मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ? एक सरदार होना क्यों बचपन से ही मेरा धर्म बन गया? और किसी ने आज तक पूछा नहीं कि तुम कौन सा धर्म अपनाना चाहते हो? मैं एक अगर मुस्लिम घर में पैदा होता तो एक मुस्लिम बन जाता, और हिंदू घर में होता तो हिंदू। मेरे पास कभी कोई चॉइस तो थी ही नहीं। दाढ़ी बढ़ाओ, पगड़ी बांधना, क्या मतलब है इन सब का? क्यों जरूरी है ये सब फॉलो करना, उन सब गुरुओं और भगवानों को मानना जिन्हें हमने आज तक कभी देखा ही नहीं? और अगर भगवान है भी तो उसके लिए सब रूल्स फॉलो करना क्यों जरूरी है? ये सब यूजलेस है। मैं उस दिन बस यही सब सोचे जा रहा था, और तभी मेरी नजर यहां पड़ी। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि मैं अपने बाल कटवाकर इन सब बंधनों से आजाद हो जाऊंगा। थोड़ा मुश्किल था, मे बी कुछ समय तक मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट ना करें, पर सिखिज्म वैसे ही इस दुनिया में कोई मेजॉरिटी रिलीजन नहीं, तो मेरे ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तभी मेरी नजर यहां गई। पहले मुझे कोई मजाक लगा, लेकिन मैंने उसके बारे में दोबारा सोचा। तुम्हें इस जन्म में जो भी मिला है उसका कारण तुम्हारे पिछले जन्म से है। जानिए अपने पिछले जन्म के राज। क्या मेरा सरदार होने का भी कोई मतलब हो सकता है? और मैं उस जगह पर पहुंच गया। मैं वहां पर काफी नर्वस फील कर रहा था। मैं अंदर गया और वो जगह काफी शांत और पॉजिटिव थी। मैं वहां लेटा और आंखें बंद करने के बाद मुझे काफी रिलैक्स्ड फील हुआ। किसी अलग ही दुनिया में चला गया था। और फिर मुझे ये सब आवाजें सुनाई देने लगी और मुझे दिखाई दिया कि मैं एक सरदार हूं, और मेरे आसपास मेरे कुछ करीबी लोग हैं, और साथ में पूरी सिख फौज। सब लोग जंग में जा रहे हैं अपने गुरु का नाम लेते हुए, और कह रहे हैं अगर इंसानियत को बचाना है तो अपने गुरु के साथ चलो। लेकिन मैं डर गया और मैं वहीं पर रुक गया, और मैंने अपनी पगड़ी उतार कर फेंक दी। तभी मेरे गुरु की नजर मेरे पर पड़ी और वो मेरे पास आए, और उन्होंने कहा, जऊ पैरस ना राम न कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो। ये शब्द मुझे अच्छे से याद थे। क्या मतलब है उन शब्दों का? उन शब्दों का मतलब है कि जब तक हम अपने भगवान का नाम नहीं लेंगे, इस दुनिया में दोबारा पैदा होते रहेंगे। उस समय भगवान का नाम लेना मेरे लिए वो जंग लड़ना था। मैंने वो अधूरी छोड़ दी।
आज मुझे दोबारा मौका मिला है।